पिछले हफ्ते ही हमने अमेरिका की अर्थर डी कंपनी की बड़ी रिपोर्ट को कवर किया था, जिसके अकॉर्डिंग 2040 तक भारत की स्पेस इंडस्ट्री 40 से 100 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जिसके मुकाबले ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री 1 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू को भी क्रॉस कर जाएगी। आज इसी अर्थर डी कंपनी की बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कि इंडिया की ईवी इंडस्ट्री भी फ्यूचर में पोटेंशियली ग्रो करने के साइंस दिखा रही है। इस रिपोर्ट की डिटेल में जाने से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक बड़ी खबर कवर करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारत अब जापान की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को एक्वायर करने जा रहा है, और इस जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी की 2021 की टोटल रेवेन्यू 3.56 ट्रिलियन जापानीज येन थी। दोस्तों आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जापान की सुजुकी मोटर के बारे में। तो बड़ी खबर आ रही है कि जापान के सुजुकी मोटर के गुजरात प्लांट को मारुति सुजुकी इंडिया एक्वायर करने जा रही है। गुजरात के हंसलपुर में लोकेटेड सुजुकी मोटर्स गुजरात प्लांट 2014 में शुरू किया गया था, और करंटली इस प्लांट में सालाना 7.5 लाख यूनिट्स तैयार किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस एक्विजिशन के बाद मारुति सुजुकी इंडिया SMG की 100% प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को मैनेज करेगी, यानी कि इस प्लांट में तैयार की गई गाड़ियां अब मारुति सुजुकी इंडिया ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर सेल करेगी। लास्ट बैलेंस शीट के मुताबिक इस प्लांट की वैल्यू 12,000 करोड़ से भी ज्यादा की थी, और इसे एक्वायर करने के बाद मारुति सुजुकी इंडिया को अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में भी आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी ने गोल सेट किया है कि 2030 से 31 तक अपनी प्रोडक्शन इतना अधिक बढ़ाना चाहते हैं कि वो अपने प्रोडक्शन प्लांट्स में एनुअली 4 मिलियन कार्स तैयार करेंगे, जो कि कोई छोटा गोल नहीं है, क्योंकि यह नंबर कंपनी की प्रेजेंट प्रोडक्शन से ऑलमोस्ट डबल है। अब इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको अर्थर डी कंपनी की रिपोर्ट्स की डिटेल के बारे में बता दें। इस अमेरिकन कंपनी का कहना है कि भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी ग्रोथ से आगे बढ़ती नजर आ रही है, और ईवी सेल्स की ओर देखें तो 2022 में 2021 के मुकाबले 200% तक सेल्स बढ़ी हैं, जो कि देश की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक साल में देश में 1 मिलियन से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुई हैं। इस ग्रोथ से न केवल मैन्युफैक्चरर्स बल्कि भारत भी ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का गोल अचीव कर पाएगा, और दूसरे देशों से महंगा क्रूड ऑयल खरीदना भी कम कर देगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर कोने से बढ़ती दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो ईवी के मैन्युफैक्चरर प्रावेक का इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी अरेबिया से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, जिसमें वो 1 मिलियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करके अमेरिका, यूरोप और गल्फ कंट्री में सप्लाई करेगा, या फिर टाटा कंपनी का इंग्लैंड में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से ईवी बैटरी प्लांट सेटअप करना हो, जिसमें टाटा JLR के फ्यूचर इलेक्ट्रिक मॉडल्स के लिए बैटरीज तैयार करेगी। और इन सब के साथ देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी का इंडियन कार मार्केट की ग्रोथ में इन्वॉल्व होना हो, और जापानी सुजुकी मोटर से गुजरात प्लांट का 100% इक्विटी कैपिटल खरीदना शो करता है कि इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले दशक में रैपिडली ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो कॉमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर अपने विचार जरूर रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।